नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगा कॉर्नर में। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा के उत्पम। ये मैंने एक कटोरी सूजी ली है और एक कटोरी ही मैं दही लूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा आधा गिलास पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके ये देखिए इस तरह का डो तैयार हुआ है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब आप इसको ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखें। ये देखिए बैटर कितना अच्छे से तैयार हो गया है फूल के। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक और डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, एक चौथाई काली मिर्च डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च और नमक दोनों ही आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये अभी बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसे थोड़ा सा पानी डाल के और पतला कर लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है। गैस पे हमने तवा रख लिया है, उसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और इसको चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। और फिर हमने जो बैटर तैयार करा है उसको डालेंगे और इसको हल्के हाथ से आप साइज़ अपने हिसाब से रखिएगा। उत्पम दो तरीके से बनते हैं। एक तो इस पर हम प्याज डालेंगे थोड़ी सी, टमाटर डालेंगे बारीक चॉप करे हुए, हरी मिर्च और हरा धनिया। एक तो इस तरह से बनता है और एक सारे बैटर में सारा मिला लिया जाता है। ये सारा प्याज टमाटर हरी मिर्च हरा धनिया, आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। अब इसे स्लो गैस पे बनने दीजिए। ये देखिए अब ये तैयार है। आप चाहे तो इसको पलट के भी सेक सकते हैं और चाहे तो नहीं भी पलट सकते हैं। ये एक तरह से पूरा तैयार है, पर बहुत से लोग पलट के सेक लेते हैं तो मैं आपको पलट के भी बता देती हूँ। बहुत आसानी से पलट जाएगा ये, थोड़ा सा भी और हो जाए। ये हमने इसे पलट दिया, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए उत्पम बिल्कुल रेडी है, इतना अच्छा उत्पम बना है हमारा। तो हम दूसरा वाला बनाते हैं, जो हमने प्याज टमाटर हरी मिर्च और धनिया सब मिक्स कर लिया है इसमें। अब ये हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालेंगे, इसको साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। इसको 2 मिनट करने के बाद फिर हम इसे पलट देंगे। देखिए तैयार है, अब हम इसे पलट देते हैं। ये भी तैयार हो गया, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों तरह के उत्पम कितने बढ़िया बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।